हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अवनीश तिवारी। आज का लेक्चर हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए लेके आए हैं, क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का, यूपी बोर्ड के लिए। क्लास ट्वेल्थ में हमें पहले चैप्टर से शुरुआत करनी है। तो क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आइए हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर क्या है, इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आपके भैया चैप्टर के नाम के अर्थ के बारे में समझते हैं। तो हमारा भैया चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे हम लोग बोलते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आइए, ये हमारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले चैप्टर के नाम को हम लोग डिकोड करते हैं कि आखिरकार चैप्टर का नाम क्या है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चैप्टर के नाम में मेनली आपके भैया चार वर्ड दिए गए हैं। सबसे पहले आपको अगर मैं शुरुआत करूँ तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि प्लांट से, उसके बाद फ्लावरिंग, उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे पढ़ना चालू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सर रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रजनन या जनन शब्द बोलते हैं, जनन। ने रिप्रोडक्शन प्रजनन या जनन क्या है, तो आइए देखते हैं। इस वर्ड में दो वर्ड छुपे हुए हैं। यहां पर री शब्द का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, यानी अपने समान नए जीवों को पुनः पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। ये जो रिप्रोडक्शन होता है यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जीवों में होने वाली प्रक्रिया, यानी आपकी जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, जनन की प्रक्रिया है, केवल व केवल किस में होती है बच्चों, जीवों में होती है, निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती है। अगर मान लो मैं इस व्हाइट बोर्ड को या इस मार्कर को मैं बोलूं कि ये मार्कर जनन करके एक नए जीव का निर्माण कर दे, तो क्या यह ऐसा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह क्या है, यह आपका निर्जीव है। इसलिए निर्जीव वस्तुएं जनन नहीं करते हैं, बल्कि कौन सी वस्तुएं जनन करते हैं, आपकी जो भी वस्तुएं सजीव होंगे वही क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, जनन कहते हैं। और जनन की हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन को पढ़ेंगे। तो यहां पे दो शब्द हमें पता चल गया रिप्रोडक्शन में। री शब्द का मतलब होता है पुनः यानी अगेन, प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना, पैदा करना। तो आइए इसके हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन को पढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, ये देखते हैं। रिप्रोडक्शन जनन, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे नई संतान की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बोलो, जनन कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, जनन की परिभाषा। सुनिए,
तो रिप्रोडक्शन में दो शब्द आ गए, एक री शब्द का मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब पैदा करना, अपने जैसे पुनः नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जीवों में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव, जितने भी जीव पाए जाते हैं यानी निर्जीव नहीं बल्कि क्या जीव, प्रत्येक जीव अपने जैसे नई संतान की उत्पत्ति करते हैं या उत्पत्ति करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, जनन की डिफिनेशन हो गई। अब ध्यान सुनना, जैसे अगर मैं बात करूं तो शेर का बच्चा क्या होगा, शेर ही होगा। शेर का अगर संतान देखेंगे तो शेर का संतान क्या होगा, शेर। यानी शेर के समान ही अपने बच्चे को जन्म दिया या दूसरे जीव के समान दिया, शेर के ही समान। जैसे मानव का बच्चा क्या होगा, मानव होगा। यानी मानव अपने बच्चे का जन्म देगा तो ये भी क्या उत्पन्न करेगा, मानव को ही उत्पन्न करेगा। गाय का बच्चा या गाय जैसा ही होगा। इसका मतलब प्रत्येक जीव अपने समान नए जीवों की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और यह एक जैविक प्रक्रिया है, जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, निर्जीव में नहीं होती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं कि ये जनन कितने प्रकार का होता है। क्लास इलेवेंथ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जनन को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक आप लोग पढ़ते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम रिप्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे दो भागों में, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन से रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर जनन, जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, ये हम लोग ने पढ़ लिया। जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर इनको बांटा गया तो कुछ न कुछ आधार मानकर ही बांटा जाता है। कभी किसी भी चीज को क्लासिफाई किया जाएगा, बांटा जाएगा, तो उसका कुछ न कुछ आधार होगा कि इस आधार के रूप पे मैं इस जीवों को क्या कर रहा हूं, बांट रहा हूं। तो उसी प्रकार जनन को बांटने का भी यहां पर एक आधार है। और यहां पर जनन को किसके आधार पर बांटा गया है, जनक की संख्या के आधार पर, जनक की संख्या, जनक की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट, नंबर ऑफ पेरेंट आधार पर, तो जनन की संख्या के आधार पर, जनक की संख्या के आधार पर जनन को हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। एक हमारे पास हो जाता है लैंगिक जनन, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, पहला है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक जन। दूसरा है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक, एक मिनट सॉरी इसे बोलते हैं अलैंगिक, इसे बोलते हैं लैंगिक जन, लैंगिक जन। तो आइए हम लोग अभी इस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करें, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन हमने क्या पढ़ लिया है, और जनक की संख्या के आधार पर रिप्रोडक्शन को, जनन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, लैंगिक जनन। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका भैया सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको जो भी पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मैं चार्ट नुमा यहां पे पढ़ा दे रहा हूं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चार्ट के रूप में आप लोग समझ लीजिएगा। दोनों को मैं साथ में बता रहा हूं जिससे कंपेरेटिव स्टडी हो जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। सुनिएगा, तो ये हमारे पास दो रिप्रोडक्शन हो गए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि ये जो आपके रिप्रोडक्शन बांटे गए हैं ये जनक की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट, पेरेंट की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं, दो भागों में बांटे गए हैं। अब सवाल उठा कि जनक क्या होते हैं, जनक को हम लोग बोलते हैं पेरेंट, आखिरकार ये पेरेंट क्या होते हैं। आइए पेरेंट के बारे में हम लोग क्या करते हैं समझते हैं, पेरेंट क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा। ऐसे जीव या ऐसे व्यक्ति जो संतान को जन्म देते हैं तो जन्म देने वाले व्यक्ति की हुई हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट कहते हैं, क्या कहेंगे, पेरेंट कहते हैं। तो पेरेंट क्या है, पेरेंट उसे बोलते हैं जिसमें आपकी जिसमें क्षमता पाई जाए कि वह नई संतान को जन्म दे दे, और वह व्यक्ति जो जन्म देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, पेरेंट कहते हैं। जैसे आपके माता पिता ने आपको क्या किया है, जन्म दिया है, तो आपके लिए आपके माता पिता क्या कहलाएंगे, पेरेंट कहलाएंगे। अगर आप अपने बच्चे को जन्म देते हो तो आप अपने बच्चे के लिए क्या कहलाओगे, जनक कहलाओगे। गाय बछवा या बछिया देती है तो बछवा या बछिया के लिए उसके माँ और उसके पिताजी दोनों क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे। तो जनक क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि ये आपका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। सुनिएगा, ऐसा जनन जिसमें एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, कितने पेरेंट की आवश्यकता होगी, एक, यानी एक ही जनक की क्या होती है, आवश्यकता होती है, तो ऐसे प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें दो अपोजिट पेरेंट की आवश्यकता होती है, एक मेल होना चाहिए, मेल का मतलब एक नर होना चाहिए, और दूसरा फीमेल होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में कितने पेरेंट की आवश्यकता होती है, एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जनन को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ऐसे जनन जिसमें दो विपरीत, विपरीत मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहां पर एक मेल होना चाहिए एक फीमेल, क्योंकि अगर बोल दोगे दो पेरेंट की आवश्यकता होगी तो हो सकता है दोनों मेल हो जाएं, तो क्या मेल मेल मिलकर संतान को जन्म दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्या फीमेल फीमेल मिलकर संतान को जन्म दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो अपोजिट पेरेंट की आवश्यकता होगी, एक मेल होगा दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो इसलिए जिसमें एक की आवश्यकता होगी उसे हम लोग नाम दे देते हैं यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल, इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, यूनिपेरेंटल। यूनि शब्द का मतलब होता है एक, और पेरेंटल का मतलब होता है क्या, जनक, यानी जो एक जन की होते हैं, एक ही व्यक्ति से जन्म लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूनिपेरेंटल बोलते हैं। और ये हमारे कहलाते हैं जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग बोलते हैं बाईपेरेंटल, बाईपेरेंटल द्विजनकी कहते हैं। तो जिसमें दो लोगों की आवश्यकता होगी उससे द्विजनकी, जिसमें एक लोगों की आवश्यकता होती है उसे एक जनकी कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, बाईपेरेंटल, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, यूनिपेरेंटल। क्यों, क्योंकि इसमें एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, और इसमें कितने पेरेंट की आवश्यकता होती है, दो पेरेंट की आवश्यकता होगी।
और दोनों पेरेंट कैसे होने चाहिए बोलो, दोनों पेरेंट अपोजिट होने चाहिए, एक फीमेल होनी चाहिए और दूसरा मेल होना चाहिए, तो दोनों ही अपोजिट होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे डेफिनेशन क्या बोलेंगे। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो अलैंगिक जनन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव होते हैं, उसके अंदर सामान्यतः युग्मक का निर्माण नहीं होता है, सामान्यतः गैमीट का निर्माण नहीं होता है। जनरली गैमीट का निर्माण नहीं होगा, सामान्यतः गैमीट को हम लोग बोलते हैं युग्मक। अब भैया यहाँ पे सबसे पहले एक नया शब्द आ गया है आप लोग के लिए, युग्मक क्या होता है, तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं युग्मक के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ये जो सामान्य कोशिका होती है मानव की, मैं ह्यूमन का एग्जांपल दे रहा हूँ, मानव में ये जो हमारी सामान्य कोशिका होती है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और ये गुणसूत्र जोड़ी में होते हैं। इसका मतलब अगर इसको मैं दिखाऊं तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 फिर 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर .. कितना 23। तो इसका मतलब 1 से लेकर 23 तक एक गुणसूत्र पाया गया, फिर 1 से लेकर 23 तक दूसरी जोड़ी पाई गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस पूरे 1 से लेकर 23 तक को मैं यन मान लूं और इसको भी क्या मान लूं, यन मान लूं, तो यन प्लस यन बराबर क्या हो जाएगा, 2n। आप बताना इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं, यानी जो आपके गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वे बताओ जोड़ी में हैं या अकेले उपस्थित हैं। जोड़ी में उपस्थित हैं तो इसका मतलब इसे हम लोग बोलते हैं 2n, और 2n को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। इसे एक शब्द नाम देते हैं इंग्लिश में डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है द्विगुणित, डाई का मतलब दो, प्लाइडी का मतलब होता है गुणित। दो गुणसूत्र की जोड़ी, दो गुणसूत्र पाए जाएंगे, मतलब एक के दो गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र किसमें उपस्थित होंगे, जोड़ी के रूप में, इसे हम लोग बोलते हैं द्विगुणित। अगर भैया हम इसका कर दें अर्धसूत्री विभाजन, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे सेल डिवीजन नाम का चैप्टर, वहां पे पढ़ाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। जैसे इसका विभाजन होगा, विभाजन होने पर आधा गुणसूत्र एक तरफ, आधा गुणसूत्र एक तरफ, इसके अंदर कितने गुणसूत्र आएंगे, 1 से लेकर 23 तक, और दूसरी कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र जाएंगे, 1 से लेकर कितना तक 23 तक। इसका मतलब इसके अंदर यन गया, इसके अंदर भी क्या गया, यन गया। तो ये अलग अलग है या जोड़ी के रूप में, आप बोलोगे कि ये क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉयड, और हैप्लॉयड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अगुणित। अगुणित अगुणित हो गया, इसका मतलब इसमें आपके गुणसूत्र की जो संख्या है ये क्या है, जोड़ी में ना होकर बल्कि क्या है, सिंगल सेट है, यानी एक ही सेट है। और इसमें कितने सेट पाए गए थे, सामान्य कोशिका में 2 सेट, लेकिन जैसे भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ वैसे ही इसमें क्या हो गया, आपके केवल एक ही सेट पाए जाते हैं। तो कौन सा विभाजन हुआ, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण इसमें गुणसूत्र के कितने सेट पाए जाते हैं, एक ही सेट पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। तो जो यह ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र का केवल एक ही सेट पाया जाए, यानी वह कोशिका कैसी हो, अगुणित हो, तो ऐसी कोशिका को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमीट। गैमीट को हम लोग बोलते हैं युग्मक, इसे हम लोग नाम देते हैं युग्मक। युग्मक क्या है,
अब आपको समझ में आया कि सामान्य कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक अगुणित कोशिका का निर्माण होता है और इसी अगुणित कोशिका को ही क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं, एक से पाया जाता है यानी डबल नहीं पाए जाते हैं, अगुणित होते हैं। तिन्ही कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसके पहले इसको मैं रफ करना चाहूंगा, तो यहां पे मैं रफ करता हूं, तो यहां पे सुनिएगा, तो हमें यह समझ में आ गया कि हमारी सामान्य कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित, और हमारी जो गैमेट होते हैं ये कैसे होते हैं, एक गुणित। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, कभी द्विगुणित नहीं होंगे। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई भी जीव है नहीं है जिसके अंदर गैमेट द्विगुणित पाया जाए, यानी गैमेट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड, इसमें क्रोमोसोम की एक ही जोड़ी पाई जाती है, एक ही जोड़ी नहीं सॉरी एक ही सिट पाया जाता है। इतना क्लियर, चलिए आइए हम लोग ये समझ गए गैमेट युग्मक क्या है। तो आप याद रखिएगा अलैंगिक जनन में जनरली गैमेट का निर्माण नहीं होता है, का निर्माण निर्माण नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके अंदर गैमेट का निर्माण होता है। मैं अलैंगिक में भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, क्लास 11th का चैप्टर है उसमें बताऊंगा कि आपके कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके अंदर गैमेट का क्या होता है, निर्माण होता है, लेकिन सामान्यतः भैया अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अतः लैंगिक पर जो लैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, निर्माण होता है, सुनिएगा। और इसमें जो युग्मक बनेंगे मेल के लिए बनते हैं मेल गैमेट, फीमेल के लिए बनते हैं फीमेल गैमेट। यहां पर मेल के लिए जो मेल यानी नर होंगे उनके अंदर बनेगा मेल गैमेट, अगर वो मानव होते हैं यानी एनिमल्स में होते हैं तो उस गैमेट का नाम हम लोग रखते हैं क्या, स्पर्म, उस गैमेट का नाम रखते हैं क्या, स्पर्म। अगर वो भी आपके फीमेल है तो फीमेल गैमेट बनता है, मादा युग्मक बोलते हैं फीमेल गैमेट, और ये फीमेल गैमेट के रूप में किसका निर्माण होता है, इस अगर एनिमल होगा तो उसे बोलते हैं ओवा, अगर भी आप प्लांट होगा तो उसके लिए क्या बोलते हैं, एग। तो यहां पर एग या ओवा का क्या होता है, निर्माण होता है, ये क्या होता है, फीमेल गैमेट। तो हमें यह समझ में आया सर कि जो अलैंगिक जनन होते हैं मेरे बच्चों उसमें भी क्या होता है, एक युग्मक का निर्माण होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा सामान्यतः, लेकिन कभी कभी होता है। लेकिन जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उसके अंदर कभी भी आपका युग्मक का निर्माण सॉरी तो यहां पर जो गैमेट होते हैं अलैंगिक जनन के इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो आपके लैंगिक जनन करने वाले हैं इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। मेल के अंदर बनेगा क्या, स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या बनेगा, ओवा या एक नाम दे देते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं। अंडाण शुक्राणु, ये शुक्राणु स्पर्म, ये क्या हो गया, अंडाण। तो हमें इतना पता चल गया कि इसमें अलैंगिक में नहीं होगा, लैंगिक में युग्मकों का निर्माण होता है। चलिए अगला क्या गुण होगा, तीसरे गुण पे आते हैं। याद रखना जब अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन नामक प्रक्रिया भी नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कुप्चे में कुन्ने में समझते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्पर्म हो गया और यहीं पर बगल में हमारा क्या रखा है, ओवम। ये आपको पता ही है क्या है, मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। अगर मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं तो आपको पता है गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, इसके अंदर भी एक अगुणित पाया जाएगा क्रोमोसोम, इसके अंदर भी अगुणित पाया जाएगा यानी यनयन पाए जाएंगे। और जैसे ये दोनों कोशिका मिलेंगी एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं और यन प्लस यन मिलकर बना देती हैं क्या, टू यन। और ये जो द्विगुणित कोशिका बनती है इस कोशिका का नाम क्या होता है, जायगोट।
क्या नाम बोलते हैं? जायगोट, युग्मनज बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज क्या है तो आपको पता चल गया, युग्मक के संलयन से, युग्मक जब आपस में जुड़ेंगे तो उनसे क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इसका मतलब जब गुरुजी इसमें आपका गैमेट ही नहीं बनेगा तो आपस में मिलेंगे कहाँ से, तो इसका मतलब अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, कभी भी नहीं होगी, कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया हो। तो आपका अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन इसमें बन रहा है इसलिए इसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, यहां पे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होती है। तो अलैंगिक जनन में नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो हमें इतना समझ में आ गया तीन पॉइंट तक कि हमें भी अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होगा क्योंकि इस युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक का निर्माण क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें एक जनक पाए जाते हैं, और लैंगिक जनन पता चल गया कि इसमें निषेचन होता है क्योंकि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का, और नर और मादा युग्मक बनते हैं क्योंकि इसमें दो जनक आपके पाए जाते हैं, दो विपरीत जनक पाए जाते हैं। तो ये तीन पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। आते हैं चौथे पॉइंट पर, मजा आएगा। देखिए चौथा पॉइंट क्या है हमारा, आपको यहां तक पता चल गया निषेचन नहीं होता, चौथा पॉइंट आओ देखते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, लेकिन जब इसमें निषेचन ही नहीं होगा तो क्या जायगोट युग्मनज का निर्माण होगा, जायगोट युग्मनज, युग्मनज का निर्माण भी नहीं होता है क्योंकि इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। और इसमें आपको मैंने यहां दिखा दिया है कि जब युग्मक आपस मिलेंगे तो एक नई कोशिका का निर्माण करेंगे, और ये कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होगी, और इसी डिप्लॉयड कोशिका को क्या बोलते हैं, जायगोट, जो पहली कोशिका बनी वही जायगोट कहलाती है। तो यहां पर भी क्या होगा, हमें पता चल गया कि यहां पर युग्मनज का निर्माण यानी जायगोट का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन में जायगोट का निर्माण होगा, अलैंगिक जनन में जायगोट का निर्माण नहीं होता है, जायगोट यानी युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होगा, यहां पर होगा। इतना क्लियर। आते हैं भैया चार पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट आते हैं, युग्मनज का निर्माण नहीं होता, इनके जो बच्चे होते हैं, इनके जो संतान होंगे, इनके वो संतान अपने माता पिता की एग्जैक्ट समान होते हैं, आकार में भी अनुवांशिक रूप से भी। तो ऐसे संतान को हम लोग क्लोन कहते हैं, जो अपने माता पिता के अनुवांशिक रूप से और आकार के रूप से समान होते हैं, तो ऐसे संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन। क्लोन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे तो आपके भैया बताना कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले बच्चों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके भैया क्या होते हैं, आकार के में समान होते हैं अपने माता पिता के, मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, एंड या किसमें समान होंगे, जेनेटिकली। जेनेटिकली का मतलब होता है अनुवांशिक रूप से, तो अनुवांशिक रूप से भी और भी आकार के रूप से भी अपने माता पिता के समान होते हैं, इसलिए इनके संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाले बच्चे को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, क्योंकि उनका अनुवांशिक रूप क्या होता है, एक ही समान होता है। क्यों, क्योंकि उनका पेरेंट क्या है, एक ही समान। क्या कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं, नहीं, कैरेक्टर नहीं मिक्स हो रहे हैं। तो आप बताना क्या यहां पर आपके बच्चे के अनुवांशिक गुण में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। आइए अगला पॉइंट आते हैं लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, इनके जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग, इसे हम ऑफ स्प्रिंग संतान के नाम से जानते हैं। और ये जो संतान होते हैं ये अपने माता पिता से क्या होते हैं, अलग होते हैं, अनुवांशिक रूप से भी आकार के रूप से एग्जैक्ट समान नहीं होते हैं। तो हमें पता चल गया लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, संतान, जो अपने माता पिता के एग्जैक्ट समान नहीं होंगे, ना तो अनुवांशिक रूप से, ना तो देखने में, यहाँ पर क्या होंगे, अपने माता पिता के एग्जैक्ट समान होते हैं। तो पांच पॉइंट हमें पता चल गया कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। आइए मेरे साथ आप क्या करिए, बोलिए,
अलैंगिक जनन, मैं इधर ले लेता हूं अलैंगिक, इसे क्या मान लेता हूं लैंगिक, सुना। अलैंगिक जनन में कितने पेरेंट की आवश्यकता, एक, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, यूनिपेरेंटल। लैंगिक जनन में कितने पेरेंट की आवश्यकता, दो, एक मेल दूसरा फीमेल, दो पेरेंट की आवश्यकता होगी, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाई पेरेंटल। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण सामान्यतः नहीं होता है पर कभी कभी हो भी जाता है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, इसमें एक नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट आपको पढ़ाया, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है जबकि इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, निषेचन नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, निषेचन। अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले बच्चों को क्लोन कहते हैं, और भी अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले बच्चों को क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी संतान कहते हैं। तो इस चैप्टर की हमने बेसिक पॉइंट को अभी पकड़ा है, कितने शब्द को पढ़ रहे हैं अभी इस चैप्टर का, एक, इतने प्यारे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे नीट का हर एक टॉपिक, क्योंकि क्लास 12th के बाद आपको नीट का एग्जामिनेशन देना है, आप डॉक्टर बनने की चाहत रख रहे हो, तो इसलिए हम लोग को एक एक पॉइंट के बारे में क्या करना है, बहुत डिटेल्स पढ़ना है। साथ ही यूपी बोर्ड का भी सिलेबस बहुत अलग हो चुका है, आप देख रहे हो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। अब भैया हमारे जैसे एनईपी लागू है तो उसमें बताया भी गया है कि हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के सोचने पर, थिंकिंग पे काम करेंगे, रट्टाफिकेशन पे काम नहीं करेंगे, रटने वाली चीज़ों पे काम नहीं करेंगे। इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। युग्मनज क्या होता है, जब आपके युग्मक आपस मिलते हैं इसमें एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं। युग्मक क्या होते हैं, समान कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, इसी अगुणित कोशिका को क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, पहला पॉइंट हम लोग समझ लिए हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, जैसे जैसे रफ करता जाता हूँ आप मेरे साथ बोलते रहिए। रिप्रोडक्शन में कितने शब्द, दो शब्द। री का मतलब पुनः, प्रोडक्शन का मतलब पैदा करना। जनन किसे कहते हैं, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन को जनक की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। तो भैया यहाँ पर हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में 5 पॉइंट पढ़ लिए, लैंगिक जनन के बारे में 5 पॉइंट पढ़ लिए। परिभाषा क्या है अलैंगिक जनन की, जिसमें एक पेरेंट की आवश्यकता होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। चलिए तो हम लोग का इस चैप्टर के हेडिंग का यानी इस चैप्टर के नाम का एक शब्द का मतलब हम लोग ने समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया क्या है लैंगिक और अलैंगिक। अब सुनो, अब एक को मैंने पढ़ाया लेकिन आपको दो समझ में आया होगा, क्या सर आपको यह समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कब जोड़ देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी पता चल गया, जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, दो लोगों की आवश्यकता होगी, दोनों विपरीत होने चाहिए, एक मेल होना चाहिए दूसरा फीमेल, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन कहते हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया। आइए तीसरा शब्द है, सुनना, सबसे पहले हम चलते हैं प्लांट्स, प्लांट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स उसे कहते हैं जिसमें, अगर देखें मैं सीधा आपको पहचाना बता रहा हूं, जिसमें क्या पाया जाए, रूट पाई जाए यानी जड़ पाई जाए, रूट यानी जड़ पाई जाए, और उसके अंदर क्या पाया जाए, स्टेम पाई जाए, और क्या पाया जाए, लीफ पाई जाए, स्टेम और उसके स्टेम को हम लोग बोलते हैं तना, और लीफ यानी पत्तियां पाई जाए। तो ये जो भी तीनों चीज़ें होती हैं, और उसके बाद इसमें और संरचनाएं पाए जाते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं अगर एंजियोस्पर्म प्लांट होगा तो। ये जरूरी नहीं कि सबके अंदर भी रूट स्टेम और लीफ हो, क्योंकि अगर प्लांट के बारे में अगर हम लोग डिटेल्स में स्टडी करें तो प्लांट को आपको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया था। अब क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़े होंगे दूसरे चैप्टर में 11th के, क्या प्लांट को कितने भागों में, 5 भाग, कौन सा
सबसे पहले आपका था थैलोफाइटा, जिसकी बॉडी थैलस के आकार की थी, होल्मटोल थी। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पांच भागों में बांटा गया है। याद रखना, इस दुनिया का एक ही ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर का निर्माण होता है और उसी प्लांट को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और इस प्लांट का नाम है एंजियोस्पर्म। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जिसके अंदर फ्लावर का निर्माण हो रहा है, इस फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी बोलते हैं। आवृत बीजी, आवृत बीजी का मतलब क्या है, ऐसे पौधे जिनके बीज यानी सीड आवरण से ढके हुए होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। जैसे आम, कोपर का मौसम चल रहा है, तो आप बताओ जो आम का बीज होता है वो फल के अंदर या फल के बाहर, फल के अंदर। तो ऐसे ही प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि फ्लावरिंग प्लांट का नाम ही क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसी में ही फ्लावर का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए समझते हैं, आप लोग चारों तरफ देखते होंगे फ्लावर, फूल। जब भी हम फ्लावर को देखते हैं तो हमारे मन में इतना आकर्षकता पैदा होती है, इतना आकर्षित होते हैं कि उसे एकटक देखते रहते हैं। फूलों के बागवान में चले जाओ और उसी से परफ्यूम सेंट का निर्माण किया जाता है, जो इतना मनमोहक होता है कि आप लोग जान ही रहे हो, परफ्यूम का जमाना चल रहा है, जो लोग नहाते नहीं वही लगाते हैं। चलो आइए देखते हैं। तो आपका यहाँ पर एंजियोस्पर्म, तो ये एंजियोस्पर्म का ही देन है कि जिसमें फ्लावर का निर्माण हो रहा है और उसी फ्लावर से सेंट का निर्माण किया जा रहा है, परफ्यूम का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा ये इतना ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज है कि पुराने समय से ही हम लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, और उसके अलावा व्यवहारिक रूप से। अगर साथ में बात करें हम लोग किसके लिए, तो मानो अपनी फीलिंग को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए पुष्प का, फूल का प्रयोग करता है। जैसे किसी की डेथ हो गई तो उस समय क्या करते हैं, सफ़ेद फूल को ले जाते हैं, गुलदस्ता देते हैं। किसी को प्रपोज करना हो तो उस समय फूल को भी देते हैं। किसी को खुश करना तो उस समय हम लोग फूल का गुलदस्ता देते हैं। तो इसका मतलब मानो अपनी फीलिंग को प्रदर्शित करने के लिए भी फूल का प्रयोग करता है। इसके अलावा पुराने समय से फूल का प्रयोग किया जाता है सजावट के रूप में, सजावट के रूप में। जैसे आप देखते हो सजावट की, चाहे ब्याह जीवों को सजाना हो, चाहे आपको निर्जीवों को सजाना हो, उस समय शादी विवाह में आप लोग देख ही रहे हो कि सजावट के रूप में फूल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो पुराने जमाने की महिलाएं होती थी वो फूलों में गजरा लगाती थी। आज भी देखो महाराष्ट्र में, वहां पर जितने भी मराठी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बालों में वहां की लड़कियां गजरा लगाती। तो ये कहाँ से, ये क्या पहले से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ों का सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमें पता चल गया कि फ्लावरिंग प्लांट क्या है, फ्लावरिंग प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म है। अब आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, आगे चल के पढ़ते हैं। देखना फ्लावर क्या है, सब लोग का मानना था कि फ्लावर इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया में ये आपको सब आकर्षित करने के लिए, महक देने के लिए, सुगंध देने के लिए, सजावट के लिए, इसके अलावा मानव की फीलिंग को प्रदर्शित करने के लिए आया है। लेकिन इस दुनिया में अगर फ्लावर आया है तो उसका सिर्फ एक ही काम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। क्या करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन कराने के लिए ही फ्लावर का निर्माण हुआ है, और लैंगिक जनन करने के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में बीज का और फल का निर्माण होता है। यानी फ्लावर में, जब फ्लावर किस लिए एग्जिस्ट करता है, फ्लावर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प। पुष्प इस दुनिया में क्यों आया है, यह इसलिए आया है क्योंकि यह क्या करा सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सके, लैंगिक जनन करा सके। और लैंगिक जनन हम लोग ने पढ़ लिया है क्या होता है, तो लैंगिक जनन कराने के लिए ही फ्लावर इस दुनिया में आया हुआ है। इसका कोई धार्मिक, साइंस से और धार्मिक से कोई लेना देना नहीं है,
जो पहले मान्यता थी वो गलत मान्यता थी। तो फ्लावर इस दुनिया में किस लिए आया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है तो ये एंड प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद का निर्माण करता है, और यह एंड प्रोडक्ट के रूप में बनाता है क्या? सीड यानी बीज, और भैया किसका? फ्रूट का क्या करेगा? निर्माण करता है, यानी फल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये बात समझ में आई कि फ्लावर इस दुनिया में आया है तो किसका निर्माण करने, क्या करने आया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने आया है, और जो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? बीज और फल का क्या करेगा? निर्माण करता है। इसीलिए फ्लावर इस दुनिया में आया है। अभी जो फ्लावर होता है, फ्लावर का रंग रूप, इसका कलर, इसकी बनावट, इसकी बनने की प्रक्रिया सब क्या होती? अलग अलग तरीके से होती है। हम लोग फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी, प्यारी से एनसीईआरटी एक ब्यूटीफुल शब्द लिखती है, क्या शब्द लिखती है? फ्लोरिकल्चर। आइए देखते हैं फ्लोरिकल्चर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरिकल्चर, 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 इससे हम लोग बोलते हैं पुष्प खेती, या खेती की जगह हम कृषि भी उपयोग कर सकते हैं, पुष्प कृषि। यानी पुष्प की खेती करना ही क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है, जिसमें हम फूलों को खेती कर उसको क्या करते हैं? विपणन करते हैं, उसे बेचते हैं और प्रॉफिट को कमाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर का हम लोग मिलेंगे इसके बाद। ये हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को लेकर क्या करेंगे? मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। तब तक से रिवाइज करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।